हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सब रोजा रखा है? अल्लाह पाक सबके रोजे कबूल करे। आमीन। तुम आमीन, मेरे लिए भी दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उस्मा मेहरबान्स व्लॉग और वेलकम टू सहरी टाइम। और अब बस टाइम हो चुका है सहरी का और मैं बस वीडियो का सेटअप लगा रही थी कि अम्मी अचानक से आ गई और ऐसे देखते हुए जा रही कि उस्मा ने ये इतना कैमरा कहाँ फिक्स किया। वैसे मैंने डिस्पेंसर के ऊपर फिक्स किया था, तो अम्मी देखते हुए गई और अम्मी थोड़ी तफरी कर रही थी। अम्मी ने मुझे बाद में कहा था कि जो है ये नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो है मैंने थोड़ी शरारत की, मैंने कहा मैं तो डालूँगी क्योंकि भाई कुछ तफरी वफरी तो होनी चाहिए व्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो बिहाइंड द सीन क्या सीन होते हैं डाल देती हूँ। तो अभी जो है सहरी टाइम हो चुका है और आज मैंने कहा चलो जी मैं बनाती हूँ पराठे शराठे। तो बस मैंने क्या किया, जल्दी से एक पेड़ा लिया और जब मैंने कि मैं जो हूँ ये फ़र्स्ट सहरी मैं बना रही हूँ, वरना तो कवल या अम्मी बना रही थी। तो जो है मुझे पता चला घी खुला हुआ नहीं है, तो मैंने कहा चलो जी अभी तेल से काम चलाते हैं। अभी सुस्ती वुस्ती हो रही, मैं नहीं वो निकाल रही घी शी। तो खैर मैंने ऑयल से ही किया, लेकिन मैंने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया और हमेशा की तरह मैंने एक रोटी बेली, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर उस पर खुशका लगाया, फिर उसको रोल रोल कर लिया और फिर पेड़ा बना लिया। अब इसको मैं छोटे छोटे सा बेल रही हूँ, मतलब थोड़ा थिक रखना है हमेशा पराठा, ठीक है? अब मैं पराठे की क्या डिटेल दूँ, सबको नज़र ही आ रहा है। और मैंने ज़बरदस्त से मज़ेदार से पराठे किए और पराठे बनाते हुए मम्मी को कह रही थी मम्मी कीमा नहीं है, मुझे आलू मटर कीमा खाने का दिल चाह रहा है। मम्मी कह रही है इस टाइम उसमें पहले बताती तो जो है। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे कीमा खाना है। अच्छा मुझे आप एक काम करें, वो अंडे प्याज वाला जो होता है ना, आलू प्याज अंडे चॉप करके करते हैं, अंडा घोटाला कहते हैं, वो खाना अच्छा वो आप मुझे बना दे। तो अम्मी कहती है अच्छा चलो बना देती हूँ। माँ है ना तो वो खड़ी हो गई, मैं यहाँ पराठे बनाने लगी, वहाँ अम्मी ने चाय रख दी थी और दूसरी तरफ अम्मी जो है प्याज और ये सब कटिंग कर रही थी। और यही था, आप बताइए आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ानों का पता ही नहीं चलता, ऐसे ये रमज़ान मेहमान है ना, यूँ आते हैं और यूँ चले जाते हैं, इसकी जो रौनक है माशाल्लाह। लेकिन थोड़ा अफसोस हो रहा है कि इन रमज़ानों में जो है क्या हाल किया इन्होंने फ्रूट्स का, मतलब मुझे हैरानी हो रही है। मैं वो न्यूज़ में देख रही थी कि बायकॉट कर लें फ्रूट्स का, तो मुझे सही लगी बात, बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन मतलब हम इंसानों के दिल ऐसे हैं, जब मैंने वो वीडियो देखी एक ज़यीफ़ से अंकल थे और जो है वो एप्पल 600 रुपीज़, मतलब 600 रुपये के दर्जन, मुझे नहीं आता लेना ना, तो इस तरह से बेच रहे थे, वो इतना महंगा सेल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इनको जो है चालान लगाएं और इनका ये बंद कर दें इनके ऊपर, ठीक है? तो वो जो अंकल की शक्ल थी रोने वाली, मुझे डर लग रहा था अंदर अंदर कहीं कहीं उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। मतलब हमारे साथ जो बुरा कर रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए भी फीलिंग है। उन तो उन सब के दिलों में खौफ क्यों नहीं आता कि रमज़ान का महीना है और हमें फ्रूट सब्ज़ी ये सब जो है कम कर लेने चाहिए। आजकल जो बच्चे हैं वो बनाना खाते हैं शौक से। मतलब हमारे यहाँ पे जो हम बनाना लेने गए तो 300 रुपये दर्जन बनाना थे और वो इतने छोटे थे, इतने छोटे और गले हुए, अफसोस हो रहा था। और इतने एटीट्यूड में सब्ज़ी वाले और फ्रूट्स वाले हुए हैं कि हैरानी की बात है। तो देखें बातों बातों में जो हमारे ज़बरदस्त से पराठे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, अब बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। चाय भी मम्मा ने रेडी कर लिया, बस मैं कपों में निकालूंगी। और जी मैंने सोचा सहरी का व्लॉग अभी बनाओ और एडिट करके अपलोड कर दो, क्योंकि कल जो है मेरे ससुराल में है दावत, जेठ ने की है इफ्तार पार्टी, तो हम वहाँ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है इफ्तार पार्टी का, तो मैंने कहा चलें जी सहरी का अपलोड कर दो ताकि जो मेरे डेली बेसिस पे व्लॉगिंग आजकल चल रही है ना वो एक दिन भी स्किप ना हो। तो देखें बेहतरीन से हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है और साथ में बस ट्रे लगा दी मैंने, और लस्सी तो कवल ने रात में ही तैयार कर ली थी, वो ठंडी हुई हुई है वो निकाल ली, साथ में चाय थी और मम्मा ने दाल चावल बनाए थे। तो दाल चावल अब जो है मम्मा ये बनाने लगी हैं, मेरा फेवरेट अंडा घोटाला। तो इसमें क्या था, चॉप अनियन है, चॉप पोटैटोज़ हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं। इसको हमने थोड़ा सा सॉटे कर लिया, इतना पका लिया कि आलू गल जाएं और आलू जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद नमक, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर बस, और इसको अच्छे से पकाएंगे और सिंपल क्या करेंगे, अंडा जो है वो फेंट के साइड पर रख देंगे नमक डाल के और वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त
अंडा घोटाला भी रेडी हो चुका है। तो आज की हमारी सहरी में ये सब था और हमने बहुत ही पेट भर के इंजॉय करके खाया। तो आप सब कमेंट करके बताएं आप लोग इफ्तारी में क्या खा रहे हैं और जो है सहरी में क्या खा रहे हैं, ज़रूर मुझे आइडिया दें। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। मतलब इतना कुछ है दिमाग में कि अब मैंने ये बनाना है वो बनाना है लेकिन खैर टाइम शॉर्ट है। तो बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो कवल मेरे साथ आके बैठ गई। फिर कवल माशाल्लाह कभी सादिया मैम की बातें कर रही और कभी कवल जो कह रही थी, क्या कह रही थी कवल? कह रही थी कि यूट्यूब ने जो है वो मतलब ब्लॉगर्स हो गए हम जैसे सब, मेरे बारे में बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रही हूं। हाँ सब अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा मतलब रमजान की वो बात नहीं रही क्या? हाँ होता था कि टीवी बंद हो जाते थे, हाँ तो कहते थे शैतान को मतलब बंद कर दो टीवी पे, सिर्फ हम लोग अच्छी चीजें देखते थे। हाँ। तो टीवी पे ये मॉर्निंग शोज आने लग गए, ये जो इस्लामी शोज आने लग गए, सहरी इफ्तारी के शोज आने लग गए। सही है, अब उससे ज्यादा हर यूट्यूबर अपना सहरी और इफ्तारी में ब्लॉगिंग उठा के बैठे। सही है ना, इबादत से ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। खैर हाँ ये बात सच है, सबका भी दुकान चलानी है और आजकल जो महंगाई हुई है उस लिहाज से बहुत जरूरी भी है। मतलब पता नहीं क्या है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं संडे है, छुट्टी है आज। अभी हमने सहरी कर ली है, देखो मैंने सहरी का व्लॉग एडिट कर लिया है तो सबको बोलता आई होप सो। अब वीडियो को मैं एंड करती हूँ क्योंकि हमारी सहरी बस लग रही है। सब्सक्राइब करें, इधर बोलो, बात लेने जा रही हूँ। बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, हमारा जो है अंडा घोटाला हो चुका है रेडी। अब मैं भुर्जी इंडियन इसको भुर्जी कहते हैं। हाँ, और मैं ये कई दफ़ा रेसिपी सिखा चुकी हूँ, मम्मा का थोड़ा अलग मेथड है, हमारा अलग मेथड है लेकिन है वही चीज़। तो बहुत ही मज़े की बनी थी ये भुर्जी। अबान की भी वैसे फेवरेट है, कुछ समझ नहीं आता ना तो ये बना लो और शौक से खाते हैं अबान भी। तो हमारा दस्तरखान लग चुका है, सहरी कर रहे हैं। तो बस अल्लाह आपको और हमें नेक हिदायत दें और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तर्जुमा कुरान, पहला पारा सूरह बकरा। आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लोगो बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन सबका खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को उसी सूरत में हो सकती है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिक्स बहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानद एक ही सूरत बना लाओ। अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक के लिए। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए हैं और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दे दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दें। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है और जो उनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं, अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।
तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सुलभ करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और सात आसमान अस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। सदाकल्लाहुल्लज़ीम। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम तर्जुमा पढ़ेंगे और मुझे यकीन है समझ आ रहा होगा, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और तो जी जनाब, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम एक एक रुकू करके ही लेकिन तर्जुमा कुरान इस व्लॉग के जरिए पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह हमें नेक हिदायत दे। और इसी के साथ ही मैं व्लॉग को करूँगी एंड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।